की टीम पर हमला कर दिया गया। लकड़ी माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला किया है और वन विभाग की टीम की गाड़ी के शीशे टूट गए। हालांकि वन विभाग के कर्मचारी जो हैं वो बाल बाल उनकी जान बच गई है, लेकिन गाड़ी के शीशे टूट गए। बाइक जब्त बाइक को छुड़ाकर ये लकड़ी माफिया जो हैं ले गए हैं। शमशाबाद वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है और बहुत हैरान कर देने वाला ये मामला कि वन विभाग की टीम के ऊपर जो कि गाड़ी में सवार थी उसके ऊपर हमला कर दिया गया। गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं, देख सकते हैं आप। शमशाबाद वन परिक्षेत्र में जो वनों की रक्षा करने के लिए तैनात हैं वो ही डरे सहमे हैं। लकड़ी माफिया इतना हावी है कि कब्जे से जिस गाड़ी को जब्त किया गया था उस जब्त बाइक को छुड़ाकर ये लकड़ी माफिया ले गए। आगे बढ़ते हैं भोपाल से खबर, जहां पर पुलिस कर्मी पर ही जानलेवा हमला कर दिया गया। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि बदमाश पुलिस कर्मी पर भी हाथ उठाने से बाज नहीं आ रहे। तलवार से वार किया गया, रंगदारी नहीं देने पर बदमाश ने यह दबंगई दिखाई। पुलिस कर्मी एक दिन पहले तक सीएम की सुरक्षा में तैनात था, पुलिस पर समय पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगा है। कमला नगर थाना इलाके के कोटरा सुल्तानाबाद की यह घटना बताई जा रही है। राजधानी भोपाल की तस्वीर जरा देख लीजिए, भोपाल का हाल देख लीजिए कि एक बदमाश पुलिसकर्मी पर जो कि सीएम सुरक्षा में तैनात था पुलिसकर्मी, उसके ऊपर जानलेवा हमला क्यों कर रहा है। रंगदारी नहीं देने पर, रंगदारी मांगी जा रही थी, बदमाश को नहीं दी गई, उसने हमला कर दिया, तलवार से वार किया है। और हैरानी की बात यह है कि पुलिसकर्मी ही है, लेकिन पुलिसकर्मी की गुहार जो लगाई गई पुलिस थाने में जो शिकायत करने पहुंचा तो पुलिस पर समय पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया। और यह पूरा मामला जो है भोपाल के कमला नगर थाना इलाके के कोटरा सुल्तानाबाद का बताया गया है। और मुरैना से खबर, जहां पर आदतन अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है। शराब के ठेके पर फायरिंग करने का यह पूरा मामला है। फायरिंग के तीन आरोपियों के मकानों को तोड़ दिया गया। तीनों आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ठेके से दरअसल फ्री में शराब नहीं मिलने पर इन्होंने फायरिंग की घटना अंजाम दी थी। हाथी गड्ढा रोड शराब ठेके पर इन्होंने फायरिंग की थी, दहशत फैलाने की कोशिश की थी और अब कानून ने अपना काम किया। आगे बढ़ते हैं सत्रह की बात, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई है और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दूसरे की कब्जे की जमीन पर मकान निर्माण पर यह विवाद हो गया और महिलाओं को यहां पर बुरी तरह से पीटा गया है। तस्वीरें भी किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया जिसमें लड़कियां महिलाएं जो हैं वो नजर आ रही हैं, उनको पीटा गया है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। ये खुखुडा कोठार गांव की घटना बताई जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे और शिवपुरी की बात करेंगे, जहां पर मंडी में चोर को पकड़ लिया गया। कृषि उपज मंडी में चोर पकड़ाया है किसानों ने, चोर को पकड़कर बांध दिया। मंडी से दरअसल ये बोरी चुरा ले जाने का इस पर आरोप है, जिसके बाद इसे पकड़कर बांध दिया गया। और इंदौर से खबर, जहां पर नशे में धुत कार चालक ने सिग्नल पर खड़ी कार में टक्कर मार दी। कार सवार दो युवतियों को इसमें चोट आई है और इनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। बताया जा रहा है कि कार में दो युवक भी सवार थे और सभी पार्टी कर पब से लौट रहे थे। विजयनगर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही। तो ये पार्टी कर पब से जब लौट रहे थे तो इस बात की भी संभावना बनती है कि ये कहीं ना कहीं नशे में धुत थे और नशे में धुत कार चालक ने सिग्नल पर खड़ी कार में ही टक्कर मार दी।
कार सवार दो युवतियों को चोट आई है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कार में दो युवक भी सवार थे, सभी पार्टी कर पब से लौट रहे थे। विजयनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आगे बढ़ेंगे और झाबुआ की बात करेंगे, जहां पर बैराज का गेट खुलने से लाखों लीटर पानी जो है वो बह गया। मुक्तिधाम के पास के बैराज का गेट खुल गया था, जिसकी वजह से पानी जो है बह गया, ऐसे ही बह गया। और उसके बाद क्या स्थिति बन गई, तस्वीर आपको देख सकते हैं। अज्ञात व्यक्ति ने बैराज का गेट खोल दिया। हैरानी की बात है, कोई अज्ञात व्यक्ति बैराज का गेट खोलने पहुंच जाता है। अब इसके बाद मछली पकड़ने के लिए नदी में जमघट लग गया। जल संसाधन विभाग ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच की जा रही, किसने खोल दिया, कौन है ये अज्ञात व्यक्ति जिसके पास बैराज खोलने का अधिकार पहुंच गया और वो आसानी से बैराज खोल देता है। मछली पकड़ने के लिए फिर जमघट लग गया नदी में, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे बात अगली खबर की। उज्जैन के पास बड़नगर में किराने की दुकान